से पहले बोला ये कौम के वास्ते अल्लाह ताला ने मुझे भिजाया है, ये जालिमा कितने भी जुल्म कर लो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज साजिशें कर रहे हैं मुझे जेल को भिजाने की, मुझे जेल को भिजाने की कोशिश की जा रही है, मगर वही ममम शख्स ही तो हाजिर का भाई हूँ। मौत से नहीं डरता हूँ, मौत से कभी नहीं डरा, डरा भाई ना नहीं डरा। मेरे वालिद 94 में इलेक्शन लड़े आजाद उम्मीदवार, सियासत हमारे खून में है, कौम की खिदमत करना हमारे खून में। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, हाईकोर्ट से जब ऑर्डर लाके लगे गया, जब वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब थे महमूद अली होम मिनिस्टर, उन्होंने गवर्नमेंट के आदमियों को भिजाया तुम तोड़ने के लिए, वहाँ पे आदमी आके इंक्वायरी करा, उसके बाद दूसरे दिन नहीं आया। क्यों भाई, ये माइनॉरिटी है बोल के तुम अपनी बात चला भाई, और आज आप साथ लेके किसी को फिर भाई खातिर जो जेल से आए आप आज के साथ नहीं फिर भाई, तो आपको उसकी फिक्र नहीं है। आप ये चाह रहे कि मर गया तो ये कांटा खत्म हो गया, अब बोलने वाला नहीं है, आपको ये चाहिए था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे वहां से यहाँ भी जाया, मुझे बाहर से यहाँ भी जाया, और इंसान के खुआ ताला के बोल सकूं, और वही शख्स है दो दिन का वही हूँ, कभी मौत से न डरता हूँ और बोलने पे न डरता हूँ। अवाम ये जितने बैठे हुई है इनके घरों पे बहुत जुल्म किए गए, मुझे पता है कई लोगों के घर पे बहुत जुल्म करे ये लोग, बहुत जुल्म। अगर कोई मीडिया के अंदर औरत एक बयान दे दे तो रात के फिर 12 बजे अपने आदमियों को भिजाते हैं, भिजा के बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं करना। ऐसे कई गलियां बताता हूँ मैं पीछे, जब पानी अपने पानी घड़े में भर के ऊपर चढ़ा रही औरतें मैं देखा तो हूँ, ऐसे कई गलियां। और ये बात करते हैं कि घर घर पानी चलेगा, कहाँ गया भाई, मैं बताता हूँ आओ कौन सी गली में पानी नहीं है कहाँ पे। और तुम डेवलपमेंट की बात कर रही, तुम्हारा मजबूर करने वाला मेरा भाई था वोट डालने के लिए, नहीं था आप बोलिए, ये मजबूर करने ये लोग 3.5 साल 4 साल कुछ नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला शख्स बहादुर के दिल में हिदायत डाल के भी जाया, जब आपकी खिदमत की, जब जब वो बताता गया कि ये वोट डालना है, जब जब वीडियो बनाता गया, आज देखिए अभी वोट वाली है, और ऐसे कई जगह है जहाँ वोट दिए, मौता हुई तो जनाजा नहीं जा सकता, ऐसे गलियां हैं। मैं बताता हूँ डेवलपमेंट की बात करने वालों मुझसे मिलो आके, तुम्हारे गरीब की फिक्र होती तो तुम जाके उस घर के बच्चे से मिलते जिसको कूता काटा, उस घर के बच्चे से मिलते जिसके घर में मौता हो गई, तलाक में जो बच्चा मरा उसके घर पे क्या करे तुम लोग बताओ। आ जाके झूठे वादे झूठे कहानियां सुना के पब्लिक को बता रहे, मेरा काम है कोई भी आओ, मेरा काम हक का है बताते रहूंगा, कोई भी जीतने दियो, और ताकतों को मजबूर कर दूंगा काम करने पर। केएलआर साहब के ये वादे है कि हर जगह 28 वार्डों में पानी के वार्ड फिल्टर डालेंगे मुसलमान अवाम के लिए, ये केएलआर साहब का वादा है मुझसे किया गया। और आपको मालूम है वादे करते हैं और केएलआर साहब को कोई कमी नहीं है, वो जीतो या ना जीतो अल्लाह ताला उनके अंदर दिया तो बहुत बड़ डालते। और देखो उम्मीद है मेरे बाप है ना केएलआर साहब को जिताइए, ये आपके लिए आपके बच्चों के लिए हर चीज के लिए मुस्तकबिल का सहारा बनेंगे, ये अवाम को कानून को और हर चीज को मजबूर कर देंगे आप पर आने पर। किसी को ये फिक्र है वोट डालने से पहले, कोई ये सोचता है कि उस घर में मौता हुई थी वो कैसे लेके गए, एक घर मैं बताता हूँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था, वो अपने जेब के पैसों से मट्टी डाल के मौता लेके गए, ऐसे कह रहे हैं जलपल्ली के अंदर। क्या आप लोग गए वहाँ पे आज बातें करने आ जा रहे, जहाँ बोले वहाँ खाली झूठे वादे, आपके साथ किसको फिर लेके फिर गए आप, क्या बताए अवाम को, क्या तुम्हें डर के वोट डालना अवाम, अपना हक है वोट। और आप माँ बहनों को बोल रहे वोट कोई भी कुछ भी पैसे दियो बबू बल्ली हो, अब वोट जो है सो केएलआर साहब को डालो, अंदर कोई चीज नहीं दिखती। एक अहम बात बोलो, ये लोग डरा के भी जाएंगे कि हमें मालूम होता वोट डाले तो, सब में अहम बात बोलो कि अंदर कोई चीज नहीं, किसी को नहीं मालूम होता, आपका हक है आप डालना वोट और जिताना, एक ही मकसद है अपना डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बबू बल लाएंगे, खातिरों को फिर से जेल को भी जाएंगे। आप लोगों की दुआ रही तो बाबा खानों ने कहा वो मैं अकेला कर रहा हूँ, अब केएलआर साहब ही मेरे को वादा करे हुए है इंशाल्लाह मैं मरते दम तक अपनी सांस गए तक लड़ते रहूंगा आवाम के वास्ते, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। मेरा वही जब तुमसे ये कहा था कि जब समझ में नहीं आया कि मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी कौम और मिल्लत, तुम्हारे कुर्सियों पे मेरी दुश्मनी है,
तुम अगर कुर्सी को छोड़ देंगे तो कोई और बैठेगा, उसको बोलूंगा वो मजबूर होके काम कराएगा, तुम्हारे पेट में मुट्ठी डालकर झुककर मिलूंगा, कहा था मेरा वहां।